ओके सो हाय गाइस, दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सबको सिखाने वाला हूं गाइस कुछ टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड गाइस इस कॉन्सेप्ट में मैं आप सबको बताऊंगा कि आज आपको ऐसे सेम फोटो कैसे एडिट करनी है। तो गाइस सब कुछ आप सभी को स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बता दूंगा, तो बाकी आप वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देख लेना। एंड गाइस जो भी मैं इस वीडियो में बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इजीली वीडियो देखना मत जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अभी तक आप सभी ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो और प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप सभी के लिए रोजाना यहाँ पे एक नई से नई वीडियो आती रहती है और एकदम अच्छी क्रिएटिव वीडियोस होती हैं सारी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी गाइस अगर आप में से कोई भी भाई अगर यूट्यूब या इंस्टाग्राम से रिलेटिव अगर टिक्स एंड ट्रिक्स जानने में इंटरेस्टेड है तो गाइस मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप में से कोई भी भाई इंटरेस्टेड हो तो जाकर चेकआउट जरूर करना। बाकी चले गए आज किस नए वीडियो कम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे ना अपनी फोटो का बैकग्राउंड रिस्क करने के लिए यहाँ पे ड्रॉ टूल का यूज़ करेंगे। एंड इसको रिस्क करने के लिए हम यहाँ से ड्रॉ टूल में फोटो को ले जाएंगे। देन गाइस यहाँ से हम पहले अपनी लेयर को सिलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे हम इरेजर में जाएंगे। इरेजर में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को उसकी सेटिंग क्या रखनी है, आपको हार्डनेस को रखना 90 तक एंड जो साइज होगा अपने अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है एंड फटाफट इरेज करना है। उसके बाद गाइज आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है गाइज। मैंने आप सभी के लिए सारे पीएनजी एक एक करके बनाए, ठीक है, ताकि जैसे कि गाइज आपको ज़्यादा हार्ड नहीं करना पड़े, ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा आप सभी को फोटो एडिट करने में। देन आप सभी को डायरेक्ट जाना पोएट फोटो में, यहाँ से आपको अपने मॉडल को ऐड कर लेना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद गाइज आपको दोबारा ऐड फोटो में जाना है। एंड गाइज यहाँ से आप सभी को अपने दूसरा मॉडल है लड़की का, आपको सिंपली उसको लेना। एंड गाइज उसको यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन करके कुछ इस टाइप से रखना है। एंड गाइज आपको एक प्रॉब्लम होगी कि गाइज ये जो हैंड दिख रहा है गाइज आपको आगे का आगे वाला, इसको गाइज आप सभी को मतलब बस ये ऐड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, बट इसके लिए मैंने आप सभी के लिए एक हैंड का पीएनजी बना दिया है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी इस हैंड के पीएनजी को यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप डायरेक्ट इसका मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसको भी डाउनलोड कर लेना। एंड इसको यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली इसको ऐड करना है ऐसे। एंड यहाँ से आप जैसे देख लीजिए गाइस आपको एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप अपने हैंड के आगे इसको ऐड कर पाओगे, ठीक है। तो आपको कुछ स्टेप से ऐड कर लेना इसको। तो बाकी मैं अभी इसको हटा देता हूँ, अभी मेरे को इसकी जरूरत है नहीं। तो सिंपली हम इसको लेते हैं एंड इस मॉडल को हम कुछ स्टेप से यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सभी को गाइस कुछ स्टेप से ऐसे कर लेना है। बाकी गाइस आप सभी को फिर इसमें जो शेडो बनानी है गाइस, वो शेडो कैसे बनानी है गाइस वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। पहले यहाँ पे मॉडल को अभी यहाँ पे लगाने के बाद आपको डन नहीं करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो अपने मॉडल को डन कर दिया तो गाइस आपको यहाँ पे ये शेडो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट तरीके से मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ शेडो आप सभी को कैसे बनानी है, ठीक है। तो इतना हमारा यहाँ पे परफेक्ट है। अब यहाँ से गाइस हमें डायरेक्ट यहाँ से जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को एक ब्लैक कलर का मैं पीएनजी दे दूंगा, आपको सिंपली इसको ऐड करना है एंड यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देना है इसको, ठीक है। एंड इसके बाद जाना आपको इरेजर टूल में, यहाँ से इन्वर्ट कर देना, ब्रश को लेना है, आपको साइज को अपने अकॉर्डिंग कुछ रख लेना है। एंड इसके बाद आपको फोटो को जूम करना है। देन गाइस उसके बाद आप सभी को ऐसे पेंट करना है, ठीक है। एंड गाइस दिक्कत मत लीजिए कि ये जो है हमारे शेडो सॉरी ये जो ब्लैक जो लाइंस जो आ रही है ये हमारे कपड़ों के ऊपर भी आ रही है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे इसे हाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो आपको करना है कि आपको सिंपली इरेजर टूल को जो प्रोपोर्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करके एंड इसको मूव डाउन कर देना है, इजीली आपके नीचे की तरफ चले जाएगा। एंड इसके बाद जो ओपेसिटी वगैरह होगी जितना आपको शेडो चाहिए हो आप उतना अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे इतना कर देने के बाद आप सभी को परफेक्ट तरीके से ऊपर से डन कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद आप सभी को दोबारा ऐड फोटो में जाना है। एंड ऐड फोटो में जाके गाइस आपको एक विगनेट का पीएनजी दे दूंगा मैं, ठीक है, आपको सिंपली इसको ऐड कर लेना है। एंड इसको ऐड कर एंड गाइस जैसे ही ऐड हो जाए आपको सिंपली अपनी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है। देन गाइस इसको यहाँ पे सेव करके आपको यहाँ से लेके चलना लाइट रूम ऐप में, क्योंकि बिना रिटचिंग के तो बिल्कुल अधूरी है हमारी फोटो। तो इस लाइट वाले ऑप्शन में जाएंगे हम। लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको उसका जो कॉन्ट्रास्ट होगा जिसको बढ़ा देना है एंड जो इसका हाईलाइट होगा आपको उसको थोड़ा सा कम कर देना है। एंड जो गाइस शेडो होगी गाइस जिसको आपको थोड़ी इंक्रीज़ कर देना है। एंड जो व्हाइट होगा गाइस आपको उसको भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है। देन जो ब्लैक होगा उसको भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है। जाना आपको कलर्स वाले ऑप्शन में, आपको वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, फिर चले जाना कलर मिक्स में। कलर मिक्स में जाने के बाद गाइस आप सभी को ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना है। एंड ल्यूमिनस चाहो तो अपने फेस के अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हो। देन गाइस आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को जाना है इस ब्लू कलर में, स्काई ब्लू में, आपको इसका स्काई ब्लू कलर आप चेंज कर सकते हो, सैचुरेशन को आप इंक्रीज कर सकते हो। देन जाना आपको डार्क ब्लू में, अब इसका सैचुरेशन आप गाइस हल्का कम कर लेना, क्योंकि गाइस ज़्यादा ब्लू भी अच्छा नहीं लगता है फोटो, तो आप थोड़ा सैचुरेशन कम कर देना। देन जाना आपको नीचे वाले टूल में फोटो की जो क्लियरिटी है आपको उसको बढ़ा देना है। जो फोटो में विग्नेट होगा वो हल्का सा डाल देना है।
देन नीचे स्क्रॉल करोगे आपको मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है एंड चले जाना नीचे वाले टूल में। फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है एंड जो गाइस नोइड रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है। फिर नीचे मिलेगा आपको कलर नोइड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने, तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलेगा मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।